एक्सरसाइज टू रिलीव नेक पेन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुड बेस्ट फिटनेस। आज हम करने जा रहे हैं शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। उसकी टेक्निक क्या क्या है, किस तरह से करते हैं और आप क्या क्या गलतियां करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। इसके लिए चाहिए आपको डंबल्स। आप बारबेल भी ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं केटलबेल। तो मैं लूंगी आज डंबल्स। मैंने डंबल्स 3 kg के लिए हैं। आप अगर बिगिनर हैं, मतलब बहुत अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो 1 kg के डंबल्स भी ले सकते हैं। और अगर आप मिड हैं, एक्सरसाइज करते जा रहे हैं लेकिन अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी है, तो आप 2 kg और 3 kg ले सकते हैं। तो मैं 3 kg ले रही हूँ। आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, नीज स्लाइटली बेंड, स्टमक इन, और आपकी जो बैक है वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। ध्यान रखेंगे शोल्डर इस तरह से झुके हुए ना हो, आपको स्पाइन एकदम स्ट्रेट रखनी है और नेक सामने की ओर। अब अपने शोल्डर्स को ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है। आप इसमें नी स्ट्रेट भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बेंड करके रखना है। स्टमक इन रहना चाहिए, आपकी जो आंख है बैक में इस तरह से ना हो। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जो अपनी बैक है बिल्कुल बाहर की तरफ करके फिश करते हैं। नहीं, आपको हल्का सा अंदर स्टमक, एब्स को टाइट रखना है, बैक स्ट्रेट और फिर अप एंड डाउन। ऊपर आते हुए आपको एक्सहेल और नीचे आते हुए इनहेल। इस तरह से ये आपकी शोल्डर श्रग एक्सरसाइज है। शोल्डर श्रग एक्सरसाइज जो आपकी है, आपके ट्रैप्स के लिए, मसल इंक्रीमेंट के लिए है। अगर आपको नेक में पेन होता है, मतलब जैसे आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, सारा दिन लैपटॉप में लगे रहते हैं या कंप्यूटर में, आपकी जो नेक है काफ़ी झुक जाती है, या जो टीचर्स हैं, स्कूल गोइंग है, बच्चों को पढ़ाती हैं, उनकी भी नेक में काफ़ी पेन रहता है यहाँ पर। तो अगर आप ये शोल्डर श्रग एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपका पेन तो रिमूव होता ही है, बट यहाँ की जो टोनिंग है, मतलब ये आपका हिस्सा हो गया यहाँ से लेके पूरा इस वाले एरिया तक, तो यहाँ पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट भी डिल्यूट होता है, मसल्स बिल्डअप होती हैं और पेन रिलीफ होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं कि या तो गर्दन को बहुत अंदर ले जाते हैं, तो गर्दन की कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट है, अप एंड डाउन, बस इस तरह से ज़्यादा आपको शोल्डर्स ऊपर ले जाने हैं। बाकी स्पाइन और नेक में कोई चेंज नहीं है और आपके लेग में भी कोई चेंज नहीं है, कुछ हिलावट नहीं है, कुछ किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ लोग जो है एक्सरसाइज को काफ़ी गलत कर देते हैं और फिर उनको जो पेन है मेन मसल की जगह, आपको कहीं और शोल्डर या फिर आपकी आर्म में आना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक्निक आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके बहुत फायदे हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। नमस्कार।